तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपने पता लगा ही दिया होगा मेरा थंबनेल देखे कि मैं कौन सी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये मोटो ब्लॉग का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप नए नए हो, अगर मोटो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे पास मोटो ब्लॉग का पूरा सामान सेटअप जो है रेडी है। अगर आपको कौन सा सामान कितने प्राइस में गिरेगा वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि मुझे सपोर्ट मिले आपका और वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मुझे मजा आए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मोटो ब्लॉग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो है हेलमेट। और हेलमेट मेरे पास ये वाला हेलमेट है। और गाइस, आप अगर मेरे नए व्यूवर्स हो और अगर पूरा हेलमेट के लिए आपको वीडियो देखना है जो मेरे फैमिली ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप चेकअप जरूर से कर लेना। फिलहाल अभी इसके बात करते हैं हेलमेट की। तो हेलमेट है वेगा कंपनी का और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो प्राइस है ओनली 2000 रुपया है। बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मस्त लुक भी इसका बहुत बढ़िया है, देखने में काफ़ी सारा अच्छा है। और मेरी फैमिली ने मुझे बताया नहीं था, बट मैंने उसको पूछा था कि मेरे व्यूवर्स को मेरे को बताना है कि कितने का है। तो मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि 2000 रुपये का आया था हेलमेट और बढ़िया है। और मैंने यहाँ पे मेरे चैनल का नाम भी लिखवा दिया है, हितू कॉमेडी, और काफ़ी सारा लुक अच्छा दे रहा है। तो मुझे हेलमेट बहुत पसंद आया। मेरी फैमिली को फिर से एक बार थैंक यू कि, और हेलमेट जो है आपको काफ़ी सारा कंफर्टेबल लगेगा। तो 2000 रुपये का इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर मोटो ब्लॉग के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वाला बढ़िया हेलमेट है और वेगा कंपनी का है और कंपनी भी ब्रांडेड कंपनी है, अच्छा वाला है। तो गाइस, हेलमेट के बाद आपको चाहिए कैमरा मोटो ब्लॉग के लिए, वो तो सबको पता ही है। बट मेरे पास कैमरा नहीं है, गोप्रो मेरे पास नहीं है। मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ, मैं अपना नथिंग फोन 1 यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉग के लिए। तो बढ़िया मोबाइल है और वैसे ये लेने का ऐसा नहीं है, आपके पास कोई भी फोन होगा तो आप मोटो ब्लॉग उसे भी बना सकते हैं। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको माउंट की ज़रूरत पड़ेगी। हेलमेट के अंदर आपको मोबाइल या कैमरा फिट करने के लिए माउंट की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, अभी चलते हैं हम लोग माउंट के ऊपर। और माउंट जो है एक हफ्ते पहले ही मैंने खरीदा है और इसकी एक खास बात, पहले वाला मेरे पास माउंट था बट उसमें इतना खासा मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नया माउंट खरीदा है। तो ये जो माउंट है दो तरीके का आता है, एक जो ऊपर खींचेगा तो मोबाइल अंदर उसके अंदर फिट होगा, और दूसरा वाला उसमें मेरे को मजा नहीं आया इतना, तो मैंने स्क्रू वाला लिया। जितना आप इसको खोलते जाओगे उतना ही ऊपर आएगा, फिर आराम से आप उसके अंदर मोबाइल डाल सकते हो। और ये जो है हेलमेट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है। और ये जो है पूरा बेल्ट वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जितना भी स्पीड में गाड़ी चलाओ, और मोटो ब्लॉग वाले तो स्पीड में गाड़ी चलाते ही है, तो ये खुलने वाला नहीं है। तो इसका जो प्राइस है मुझे 800 में गिरा है, तो और बहुत ही बढ़िया है। और गाइस, दूसरी बात पे हम लोग चलते हैं। और दूसरा जो है आपको मोटो ब्लॉग के लिए, वो तो आपका मर्जी लेना हो या नहीं लेना, बट मुझे मोटो ब्लॉग के लिए ज़रूरी था इसलिए मैं लिया। ये भी मेरे फैमिली ने हेलमेट के साथ गिफ्ट किया था, जो भी है आपको मैं सही सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिया था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था। इसका भी जो है प्राइस मेरी फैमिली ने मुझे बताया था, इसका जो प्राइस है 400 रुपीज़ है। और शायद आपको ऑनलाइन सस्ता भी गिर सकता है, बट ये मोटो ब्लॉग के लिए इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कि ये जो पहन के आप मोटो ब्लॉगिंग शूट करोगे, राइड पे निकलोगे तो कंफर्टेबल आपको महसूस होगा और बहुत ही बढ़िया ये पहनोगे तो काफ़ी सारा अच्छा लुक भी आपको मिल सकता है। तो है गाइस, हम लोग फाइनल एंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो वो जो है अपने को माइक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना आवाज़ बराबर आएगा ही नहीं, इतना क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा तो अपने पास पब्लिक पूरा वीडियो वॉच करेगा ही नहीं। तो उसके लिए मेरे पास जो है अभी मेरे पास दो माइक है, तो माइक का मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ये जो माइक है मेरे पास दो क्वालिटी का, दो कंपनी का माइक है। तो पहला वाला जो माइक था, ये वाला था माइक मेरे पास, और फर्स्ट टाइम मैं मोटो ब्लॉग के लिए ये वाला माइक लिया था। बट मैं सच में आपको बताऊँ ना, तो ये माइक में इतना मज़ा आया ही नहीं गाइस, पूरा आवाज़ जो है फट रहा था और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में इसमें आवाज़ पूरा डाउन हो रहा था। तो जब आवाज़ बराबर नहीं आएगी तो अपने वीडियो को पब्लिक पूरा वॉच करेगा ही नहीं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं हूँ बट इसको रखा था। तो आज इसीलिए मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये वाला माइक में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है, तो प्लीज़ गाइस इसको मत लेना। और ये माइक जो है मुझे सस्ता गिरा था, इसलिए मैं इसको फर्स्ट टाइम लिया था, तभी मुझे कोई समझाने वाला या बताने वाला नहीं था इस माइक के बारे में। तो अभी मैं आपको पता है मुझे, इसलिए मैं आपको इसका पूरा माइक के बारे में बता रहा हूँ। ये माइक जो है 300 रुपीज़ का मुझे गिरा था,
बट इसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए मैं इसको ज्यादा यूज नहीं किया हूँ। तो इसलिए गाइस मेरी मानो तो ये वाला माइक आप नहीं लेना, ये माइक में इतना क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास दूसरा वाला जो माइक है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो मेरे पास माइक है इसकी मैं क्या बात करूँ गाइस, बढ़िया एक नंबर, इसकी आवाज क्वालिटी एक नंबर है, नहीं आपका आवाज फटने वाला है और आवाज में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ये इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि JBL और M1 बोया M1 माइक आप ले सकते हो, वो आपको गिरेगा 800 या 900 में कुछ गिरेगा, इतना मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट वो भी अच्छा माइक है। बट मेरे पास जो माइक है उससे भी एक नंबर बढ़िया क्वालिटी में है, बोया MM1। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं इसका तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो आवाज क्वालिटी है एक नंबर है, क्योंकि हम लोग कॉमेडी वीडियो इस चैनल पे बनाया करते थे तभी मैं ये माइक यूज करता था, बट अभी मोटो ब्लॉग में मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मुझे ना काफी सारा अच्छा माइक लगा और बढ़िया है ये माइक। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बट थोड़ा मोटा आएगा माइक, बढ़िया बड़ा आएगा तो, लेकिन मेरे हेलमेट में जो है काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये वाला जो माइक है ना बहुत पसंद आया। इसका आवाज क्वालिटी बहुत बढ़िया है गाइस, और मैं कभी कभी ऐसे ही ब्लॉग बनाता हूँ, मोटो ब्लॉग नहीं ऐसे ही बनाता हूँ तभी भी इसको यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया इसका आवाज है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज। अगर आपका बजट नहीं है तो आपको मैं अच्छी सलाह दूंगा कि बोया M1 या फिर JBL कंपनी का माइक लोगे तो बढ़िया आपका आवाज आएगा, फिर आपका बाद में मर्जी, बट मेरी मानो तो 800 रुपीज में आप बोया M1 या फिर JBL कंपनी का माइक ले सकते हैं। बोया M1 का मैंने तभी इस टाइम पे ये लेने के लिए गया तभी प्राइस का मुझे 800 बोला था, JBL कंपनी का मैं नहीं पूछा नहीं था इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। तो फ्रेंड्स जो भी था मेरे पास वो सब का आपको मैंने रिव्यू दे दिया, और अभी लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी वीडियो एंड करते हैं और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि बाइक जो है मेरे पास 220 है और बाइक पे मैं अपना नाम लिखवाया हूँ हितू कॉमेडी, ये भी लिखवा दिया हूँ मैं, और हेलमेट भी उसी टाइम पे मैंने लिखवाया था। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और आपको कौन सी जानकारी और चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नए वीडियो में, और जाते जाते मैं बताऊंगा कि मोटो ब्लॉग के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सुपर बाइक या फिर अच्छी देखने वाली गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो भी बाइक है आप उसे बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी दिखने वाली होगी, अच्छी मॉडिफाई वाली होगी, मेरे में भी कुछ इतना खास मॉडिफाई किया नहीं है मैंने फ्रेंड्स, खाली मेरा जो है नाम लिखवाया था हितू कॉमेडी, इसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ बट देखूंगा थोड़े दिनों के बाद में। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और खास ये बात कि आपको कौन सी और जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।